जयपुर से गांव आ रहे एक युवक के लालसोट क्षेत्र से अपहरण के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में 5 आरोपियों को धर दबोचा। वारदात में शामिल गाड़ी जब्त करने के साथ ही 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सवाई माधोपुर के रहने वाले 5 आरोपियों को किशनगढ़ टोल के पास से गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजकुमार गुप्ता के अनुसार पुलिस थाना लालसोट में 3 अप्रैल को शिवचरण मीना निवासी मंडावरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा अजय मीणा जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, जो 3 अप्रैल को अपने दोस्तों के साथ जयपुर से गांव आ रहा था तो एक गाड़ी ने पीछा करते हुए टक्कर मार दी और उसमें रखे 4.5 लाख रुपयों के साथ बेटे अजय का जबरन अपहरण कर ले गए। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित की और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 कार व 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस पड़ताल में यह सामने आया कि अपहृत परिवार का आरोपियों के बीच लेन देन का पुराना विवाद भी चल रहा था। आरोपी उसे अजमेर रोड से ले जा रहे थे, जिनकी कार किशनगढ़ टोल के यहाँ ख़राब हो गई थी। इस दौरान साइबर सेल की मदद से पुलिस टीम ने बाटोदा के विकास मीणा, चंदलाई के नवीन मौसम मीणा, राम सिंहपुरा के कौशल मीणा व तिगरिया के रामलखन मीणा को गिरफ्तार किया है। लालसोट थानाधिकारी रिचपाल सिंह, एएसआई रामचरण, कांस्टेबल सत्येंद्र व रामराज और साइबर सेल के प्रभारी हेड कांस्टेबल प्रदीप राव ने आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। कल लालसोट पुलिस स्टेशन एरिया में अजय नाम के बच्चे का जो है किडनैप हुआ। किडनैप की जैसी सूचना हमें मिली, हमने नाकाबंदी करवाई और हमारी टीमें हमने रवाना की। उसके बाद में जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई उसके आधार पर उनका विश्लेषण कर हमने जिला जयपुर एसपी साहब, डीसीपी ईस्ट, डीसीपी साउथ एवं जिला अजमेर एसपी, इनसे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन स्थापित किया जाकर के हमने इस बच्चे को जो है किशनगढ़ टोल नाके पे दस्तयाब करने में सकुशल सफल हुए और जो 5 आरोपीगण जो है उस गाड़ी में थे उनको हम गिरफ्तार करने में सफल हुए। अभी और कितने आरोपी थे? अभी नामजद आरोपी 2 हैं और बाकी जो तफ्तीश के अंदर जो भी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अनुसंधान जारी है। पर जुआ पे भी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी? हाँ, मैंने ज्वाइन करने के उपरांत एक ड्राइवर के रूप में डेली जो है किसी न किसी क्षेत्र में कोई कार्रवाई करना सुनिश्चित किया है। उसी के क्रम में कल आरपीजीओ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई का जो है हमने एक ड्राइव चलाया जिसमें हमने 27 मुकदमे भीम थानों में दर्ज किए। उसके अलावा एक्साइज एक्ट और अन्य जो है माइनर एक्ट्स हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाकर के कुल जो है 35 मुकदमे जो है हमने माइनर एक्ट्स के दर्ज किए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।